हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के सर्विसेज को 15 मार्च तक बंद करने की बात कही थी। लोगों में अब इसे लेकर काफी कंफ्यूजन है कि 15 मार्च के बाद पेटीएम की कौन सी सर्विसेज काम करेंगी और कौन सी नहीं। आज इस वीडियो में रिपोर्टर जी आपको बताएगा कि क्या है आखिर पूरा मांजरा। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने पिछले महीने कार्रवाई की, जिसके बाद बैंक की तमाम सर्विसेज पर रोक लगा दी गई थी। चूंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम ऐप के नाम एक जैसे हैं, तो लोगों में इसे लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। यूजर्स इस बात से परेशान हैं कि कौन सी सर्विसेज चलेंगी और कौन सी नहीं। आरबीआई की तय डेडलाइन के हिसाब से 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेज नहीं मिलेंगी। पेटीएम ने अपनी तमाम सर्विसेज को लेकर एक जरूरी पेज लाइव किया है। ये पेज पेटीएम ऐप पर और उनके वेब वर्जन दोनों पर उपलब्ध है। कंपनी ने साफ किया है कि आप पहले की तरह ही पेटीएम ऐप की मदद से बिल पेमेंट्स और फोन रिचार्ज कर सकेंगे। ये सर्विसेज पहले की तरह ही काम करती रहेंगी। इसके अलावा आप पहले की तरह ही इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके मूवी टिकट्स और अपने ट्रैवल टिकट्स को भी बुक करा पाएंगे। इन सर्विसेज पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। वहीं पेटीएम क्यूआर और साउंड बॉक्स सर्विसेज पहले की तरह ही काम करती रहेंगी। अब सवाल आता है कि क्या आप पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको बता दें कि 15 मार्च के बाद आपको ये सर्विस नहीं मिलेगी। उससे पहले तक कंपनी इससे बैलेंस ट्रांसफर करने की सुविधा दे रही है। आपको बता दें कि 15 मार्च तक आप इन कार्ड्स को यूज कर सकते थे, हालांकि इसे मौजूद बैलेंस का ही इस्तेमाल किया जा सकता था। अब 15 मार्च के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जारी हुए फास्टैग और एनसीएमसी कार्ड को रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। आपको इन्हें क्लोज करना होगा और इसके लिए आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप नया फास्टैग खरीद पाएंगे। इन सबके अलावा आप पेटीएम ऐप का इस्तेमाल यूपीआई पेमेंट के लिए कर सकेंगे। आपको बता दें कि एनपीसीआई ने पेटीएम को थर्ड पार्टी यूपीआई पेमेंट के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि आप पेटीएम पेमेंट बैंक के वॉलेट के जरिए कोई भुगतान नहीं कर पाएंगे। आप इस ऐप का इस्तेमाल थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप की तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्विसेज से रिलेटेड आपकी सभी क्वेरीज आज सॉल्व हो गई होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।